वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंजिना, श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना, तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, धाम धनी हमारी प्रतीक्षा में बहुत समय से बैठे हैं। मैं राह देखता हूं तुम्हारी, कि इस जन्म में रू मेर से मिलने आएगी, चलो अब की बार इस जन्म में मुझसे मिलने आएगी। अब तो 300 साल हो गए हैं इस जन्म में, 400 साल हो गए इस जन्म, वे प्रतीक्षा में है कि कब उनकी लाडली रूह उनसे मिलने प्रणाम करने आए। हमने भी बालाजी को बहुत प्रतीक्षा करा ली, आइए प्रयास करते हैं धनी तक पहुंचने की और उन्हें प्रणाम करने की। जितना भी हम वाणी मंथन करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, जितना हम उस पे विश्वास करते हैं, उतना ही हमारे बिरहा में और हमारी चितवन में रंग भरते हैं। जो भी ब्रह्मात्मा जितने दर्द के साथ, जितने हृदय के साथ, पीड़ा के साथ बालाजी से मिलना चाहती है, उतना ही उसका रास्ता सुगम है। तो आइए चलते हैं राज्य से मिलने। सभी सुंदर साथ अपने अभ्यस्त आसन में बैठ जाइए। जो चेयर पे बैठे हैं वे चेयर पे कंफर्टेबल बैठ जाएं, हैंड रेस्ट लेके, और जो आसनों पे बेड पे बैठे हैं वैसे आसन में बैठ जाएं। आंखें कोमलता के साथ बंद, हृदय में प्रेम की गंभीरता लाइए। मौन रह के एक बार बिना होठों को हिलाए मन ही मन में तारतम का एक बार पाठ कर लीजिए। Thank you.
सद्गुरु महाराज। प्रकाशित रूप में मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। मैंने उनके चरणों में प्रणाम करे। उन्होंने मेरे शीश पर हाथ रखा। मुझे चलने का इशारा कर रहे हैं। अब मैं अपना स्थूल शरीर छोड़कर आत्म स्वरूप होकर इस मृत्यु लोक से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं। धरती नीचे छूटती जा रही है। चौदह लोकों को पार कर मैं सतगुरु के पीछे पीछे अब घोर अंधकार निराकार को पार कर रही हूं। यहां दूर दूर तक कोई भी प्रकाश नहीं है। अब मैं योग माया में प्रवेश कर रही हूं। चारों तरफ प्रकाश प्रकाश, सुगंधी ही सुगंधी। यहां पर बाल मुकुंद लीला कर रहे हैं। मैं उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ रही हूं। अब यहां पर बाकी बिहारी किशोर स्वरूप में लीला कर रहे हैं। वे मधुर बांसुरी की तान छेड़े हुए हैं और गोपियां उनको बड़े ही प्रेम से मंत्रमुग्ध होकर सुन रही हैं। अब मैं और ऊपर जा रही हूं अपने घर परमधाम। मैं अपने घर आ गई। चारों तरफ आए वन नूरी है। सभी पेड़ों में से प्रकाश झिल मिला रहा है। जमीन पर नरम गिलम सी घास महसूस हो रही है। सुगंधित शीतल हवा बह रही है। मैं सभी इंद्रियों से परम धाम का सुख ले पा रही हूं। चारों तरफ पशु पक्षी अपनी मीठी मीठी आवाज में बोल रहे हैं। नूरी पशु पक्षी, मैं बड़ी रांग की अति विशाल मेहराब उसके अंदर प्रवेश करते हुए सर्वर सागर की ओर जा रही। मेरी उल्टी तरफ सर्व सागर है। इसकी अनंत रंगों की किरणें आकाश तक जा रही है। इन सागरों में आए डाकू महल का नूर चारों तरफ फैल रहा है।
मैं इसे देखते हुए आगे जा रही हूं। पुनः बड़ी रांग की हवेली की बड़ी मेहराबों को पार करते हुए अब मैं छोटी रांग की मेहराबों को पार कर रही हूं। वन की नहरों को पार करते हुए वनों में से निकलते हुए बालाजी को मिलने की चाहत और तड़प लेते हुए मैं दौड़ी चली जा रही हूँ रंग महल की ओर। अब मैं केल पुल के समीप पहुंच गई हूँ। यहाँ पर जमुना जी बह रही है। नूरी जमुना जी का जल, सुगंधित जल, कल कल की आवाज करते हुए बहता जा रहा। मेरे सन्मुख जमुना जी के ऊपर विशाल केल का पुल आया है जो कि पीले हीरे का बना चारों तरफ सुनहरी छटा बिखेर रहा है। अब मैं केल पुल को पार कर रही हूं। इसका फर्श पारदर्शी है। इसके नीचे से बहती हुई जमुना जी स्पष्ट नजर आ रही है। केल पुल को पार कर मैं अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ गई और बड़ों वन की छाँव में चलती जा रही। मेरे सर के ऊपर बड़ों वन के सुंदर नूरी वृक्ष लहला रहे जिनकी टहनियां मेरे उल्टे हाथ पर आई जमुना जी में लटकी हुई है। मैं अपने उल्टे हाथ पर आई जमुना जी को देख आगे बढ़ती जा रही। अब मैं पाठ घाट पहुंच गई। यहां से तीन सीढ़ियां उतर मैं जमुना जी में झीलना कर रही। जैसे ही मैं जमुना जी के नूरी जल में डुबकी लगाती हूं बाहर निकलते ही अब मैं बहुत सुंदर अपने मूल स्वरूप किशोर स्वरूप में वापस स्थित हो गई हूं। मेरा नूरी किशोर स्वरूप सुंदर काया, सुंदर केश और वस्त्र और आभूषण अपने आप ही बनते जा रहे हैं। जल की बूंदे मेरे हाथों की चूड़ियां, कड़े बाजूबंद, गले के हार बनती जा रही। अब मैं धीरे धीरे जमुना जी से बाहर आ रही और रंग महल की तरफ जा रही। अमृत वन में से होते हुए मेरे अंदर धनी से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है। अब मैं चांदनी चौक पहुंच गई हूँ। सामने श्री रंग महल है
और मेरे दाएं बाएं लाल हरा वृक्ष, चांदनी चौकी रंग बिरंगी नूरी रेती आपस में जंग कर रही है। कोमल रेती, लाल और हरा वृक्ष मुझे सहर्ष प्रणाम कर रहा है। अब मैं 100 सीढ़ियां चढ़ रही हूं। धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश कर मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी है। मैं अपने घर आई। ये दीवारें मुझे पहचानती है, इन पर आए चित्र मुझे प्रणाम कर रहे, ये फर्श पर बिछी गेलम मुझे पहचानती है। मैं प्रवेश कर चार चौरस हवेलियों को छोड़ अब मूल मिलावे की हवेली के समकक्ष आ खड़ी हुई हूं। गोल मूल मिलावे की हवेली के दरवाजे से मैं अंदर जा रही हूं। सामने सिंहासन पर श्री युगल स्वरूप विराजमान है। मैं 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ अब चबूतरे पर आ गई। यहां गिलम नर्म है, चारों तरफ नूर ही नूर है और सामने श्री युगल स्वरूप नूरी सिंहासन पर विराजमान है। इतना प्रकाश सिंहासन और युगल स्वरूप में से निकल रहा है, वो मेरी आंखों को शीतलता और हृदय को आनंद प्रदान कर रहा है। मैं सीधी वाला जी के सम्मुख आकर खड़ी हो गई हूं और उनको प्रेम से भरे हुए नेत्रों से देख रही। वे भी मुझे अपलक नेत्रों से बड़े मीठी मुस्कान के साथ देख रहे हैं। प्रणाम बालाजी। उन्होंने मुझे नेत्रों से प्रणाम बोला है। सुंदर नेत्र, मेरी आत्म के जीवन नेत्र, मैं इन नेत्रों को देखते हुए कभी भी नहीं उंघाऊंगी। मैं इन नेत्रों को अनंत समय तक निहार सकती हूं। इन नेत्रों में झलकता हुआ प्रेम ही मेरा जीवन है। ये नेत्रों की चमक मुझे देख पड़ गई है। बालाजी अत्यंत प्रसन्न है। उनकी मुस्कान का ठिकाना ही नहीं। लाल अधर, रसीले अधर, कोमल नासिका, अधरों के नीचे आई सुंदर कोमल ठोड़ी,
नासिका में आया बेसुर और बेसुर में आया माणिक जो अधूरों को छू रहा है। और अधूरों पे खिली हुई मीठी मुस्कान जैसे मुस्कुरा कर पूछ रहे हो कहां थी अब तक सखी। क्या मुझसे भी कोई प्यारा तुम्हें मिल गया था। अब मैं बालाजी का मस्तक निहार रही सुंदर सुनहरी तिलक बीच में लाल बिंदी कोमल मस्तक बालाजी ने सिंदूरिया रंग की सुंदर पाग पहनी है जो कि उनके गौर वर्ण को और भी सुंदर बना रही। कोमल श्रवण उनमें आई बाली अब मैं बालाजी के गलस्त गालों को देख रही हूं। बालाजी ने गले में सुंदर हार पहने हीरा माणिक मोती नील में लसुनिया वाला जी के वक्षस्थल पर ये हार कितने सुंदर लग रहे। श्वेत रंग का जामा पारदर्शी है और वाला जी के अंग नूर प्रकाश इस जामे से बाहर फेंक रहे हैं। अब मैं बालाजी के चरणों की ओर देख रही मैं घुटनों के बल बैठ इन चरणों को निहार रही। मैंने अपनी दोनों हथेलियां इन चरणों के नीचे रख दी है। बालाजी के को चरण अति कोमल है। मैं इस कोमलता का सुख प्राप्त कर गौर चरण पतुरी उंगरिया सुंदर अंगूठा सुंदर कोमल पंजा अब मैं अपने मस्तक को बालाजी के चरणों में लगा रही। धनी ने बहुत ही प्रेम के साथ मेरे शीश पर अपना स्नेह भरा हाथ रखा है। मैं बालाजी के हाथों को पकड़ उनको निहार रही
कोमल कलाए, दूध से भी उज्जवल, और इन हथेली में आई सुंदर लाल रंग की रेखाएं, पतली उंगलियां और उनमें आई मुंदरियां, मैं इन हथेलियों को निहार कलाई में पहुंची और कड़ा पहना है, बाजू में बाजू बंद है, अब मैं वाले जी की बाजू कंधा और गर्दन को देख रही हूं, नूरी गर्दन नूरी स्वरूप रेजा रेज नूर प्रकाश फैलता हुआ, चंद्रमा सा शीतल प्रकाश, गौरव कोमल हृदय, अब मैं खड़ी होकर बालाजी को पुनः प्रणाम कर बालाजी मीठे सुभान मीठा स्वरूप मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं, हे धाम धुला, हे प्राण प्रीतम, हे मेरे आत्म के आधार, अब मैं एक पल भी आपके बिना एक पल भी नहीं बिताना चाहती, अब मैं बालाजी को प्रणाम कर श्यामा जी की ओर देख रही, श्यामा जी बड़ी ही प्रेम और स्नेह के साथ व्याकुल दृष्टि के साथ मुझे देख रही है, प्रणाम श्यामा जी, युगल स्वरूप अत्यंत स्नेह और प्रेम से मुझे देख रही, ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये दोनों एक हो और दोनों ही मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। श्यामा जी नेत्रों से कह रही हैं, सखी अब लौट आओ हमेशा के लिए, बस बहुत हुआ, अब मैं श्री युगल स्वरूप को प्रणाम कर वापस जाने की आज्ञा ले रही, मैं भारी हृदय से उन्हें प्रणाम कर अब वापस जा रही हूं। समस्त सखियों को भी मेरा प्रणाम, अब मैं मूल मिलावे से बाहर आ रही, चार चौरस हवेलियों को पार कर धाम दरवाजे से बाहर निकली, सामने चांदनी चौक है, सौ सीढ़ियां उतर अब मैं चांदनी चौक में खड़ी हूं और मुड़कर पुनः मूल मिलावे रंग महल को प्रणाम कर रही,
अब मैं अमृत वन को पार कर खेल भुला गई हूं। खेल पुल को पार किया, वनों को पार किया, बड़ी राग की हवेलियों को पार किया, सर्वरस सागर अब मेरे सीधे हाथ पर है। उसमें से निकलती हुई अनंत रंगों की किरणें पूरे आकाश को रंग बिरंगा कर रही। अब मैंने बड़ी राग की हवेलियों को पार कर योग माया को पार किया, निराकार का घोर अंधेरा पार किया, 14 लोकों में आई, वैकुंठ और स्वर्ग को पार कर मृत्यु लोक में अपने शरीर में वापस प्रवेश कर रही। प्रणाम प्रणाम।